बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। आओ बताऊं तुमको मैं इनसे आसान की ये बातें कैसे तुमको बेवकूफ बना दे, ताकि इनकी आशियां कर सके इनकी औलादे। झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। प्रोड्यूसर अस्सलाम वालेकुम, वो सब कैसे हैं? वालेकुम सलाम समन आप ही, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं फिर अभी पोले के पास से उठ के आया हूँ। आज उसको आटा नहीं मिला, लेकिन वो मुझे कह रहा था कि मरियम बड़ी पढ़ी लिखी औरत है, तो मैंने जब सोचा चलो चेक करते हैं, मैं वो ट्विटर पे गया, वहां मैंने देखा कि वो तो भाई PhD इन पॉलिटिक्स कर रही है आजकल। आप क्या कहती है समन भाजी इसके बारे में? बड़ी अच्छी बातें लिखी है, एमए किया है भाई इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा चले, आपने ट्विटर की बात की है ना, मैं आपको ट्विटर पे सही जवाब दे देती हूँ, सही जवाब दे देती हूँ। इससे पहले कि मैं और कुछ बताऊं, ट्विटर के ही एक में किसी ने बता दिया है कि इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 46% नंबर लिए हैं खाली मास्टर्स में, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इनकी 1992 में इनकी हुई है शादी, 36 साल की उम्र थी ये, 2010 में इन्होंने मास्टर्स किया। अच्छा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अक्सर खवातीन होते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ाई करती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोच लीजिए कि जब इनके अब्बा की, इनके वालिद साहब की हुकूमत पंजाब में आई है, उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उससे पहले नहीं। मैं क्या कह सकती हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद से सुन लीजिए। तुम भूलना मत, जब तुम्हारा दाखला हो रहा था ना कनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था, अब्बा जी मेरा दाखला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। झूठ बोले कब काटे, ये तो डॉक्टर साहब तो PTI की है ना जी, ये तो सियासी बयान भी हो सकता है, इसमें कौन सा कोई ऐसी बड़ी बात है। चलिए ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद तो PTI की सियासतदान है, लेकिन डॉक्टर नासरा इकबाल स्टूडियो नवाज वही मौरूसियत का है, और मरियम नवाज की क्या हैसियत मुझे याद है। इसने कनेड कॉलेज में दाखिले के लिए नवाज शरीफ ने मीरा फैलबूस को कहा, हमारी प्रिंसिपल थी, कि आप इसको दाखिल करते हैं। कहा जी हम तो मेरिट पे दाखिल करते हैं, इसका मेरिट बनता ही नहीं, हम कैसे इसको दाखिल करते। मीरा को निकाल दिया मुलाजमत से। तो ये ऐसे लोग जो है वो मौरूसियत की बिना पे, इसलिए कि नवाज शरीफ की वो बेटी हैं, उनका क्या मुकाम है? कोई मुकाम नहीं। और आप देख लीजिए ना, इसी तरह से जब दाखला होता है सिफारिश पे और इसको इसको धमका दो, इसको ब्राइब कर दो, तो फिर यही होता है ना कि बस फिर आपके बस 46% नंबर आ गए, और जिसके 46% नंबर आते हैं वो कभी PhD करने जा सकते हैं? आप बताइए। बात तो आपकी सही है ना, इसकी मैंने कोई आदतें ना इसकी कोई बातें, जिस तरह की ये जलसों में बातें करती है, जिस तरह के इसके इंटरव्यू होते हैं, मन वो खान साहब वाली बात है कि ये जाहिल है ना, इनको पढ़ने का शौक है। कुछ थोड़े इनको तरीके पता होते तो शायद ये वीडियो भी डिलीट करा लेते, जिस तरह अपना हेडमास्टर इन्होंने चेंज कराया था। और PhD तो इसकी लगता है सारी की सारी खान साहब पे है, सुबह उठो इमरान खान, शामी उठो इमरान खान। अच्छा मैं जब ट्विटर पे था इसका, मैंने देखा उसी टाइम, मैंने देखा कि ये नून लीग का जो इनका प्रोपागेंडा एक कर रहे हैं, कि खान साहब ने बोला जनाब ARY के ऊपर बयान दिया है कि पुलिस को धमकी दी है और कानून को धमकी दी है, और कहते हैं जी कि मैं 72 साल का हो गया हूँ और मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये क्या बात हुई जी? खान साहब ने तो ऐसी ना कोई बात कही है, ना ही ऐसी कोई बात ARY ने चलाई है। खान साहब ने तो ये कहा, स्टूडियो जरा दिखाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, हम सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, ना मैं किसी इंसान ना किसी इदारे किसी के सामने ना जिंदगी में झुका हूं, और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। तो ये बताइए कि इसमें धमकी कहां थी कि इदारे के आगे झुकना नहीं कोई धमकी नहीं होती है? खान साहब ने तो ये भी नहीं कहा कभी कि वो जेल जाने से डरते हैं, बल्कि वो तो कहते हैं आओ गिरफ्तार कर लो मुझे, वो खुद ही। जी अच्छा, यानी के सारे खुद भी जाहिल हैं और इनके जो फॉलोअर हैं ये भी जाहिल हैं। बिल्कुल, देखिए ना, ये अगर आप ARY की या बोल की अपनी साइट पे जाएं तो ऐसी कोई सुर्खी लगी ही नहीं है, ये सारा कुछ फोटोशॉप है।
ये इन्होंने वैसे मैंने देखा है इनका आजकल ये फोटोशॉप भी, और आजकल इनके वो बॉट नहीं होते जो ऑनलाइन, मुझे मेरा एक दोस्त था वो आईटी में होता, उसने मुझे बताया कि आजकल ये बॉट भी बड़े यूज करते हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए तुम्हें ये चीजें नजर आती हैं, असल में इनकी हकीकत है नहीं। इसलिए मैं आपसे आके ये चीजें पूछता हूँ समन भाजी। कल मेरे ससुर जी आए हुए थे, अब मेरे ससुर जी क्या फरमाते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी इमरान खान जो है वो तो नशेई आदमी है, अब ये क्या फिल्म है इमरान खान नशे। हाँ ये मेरी मरियम बीबी ने भी इसी तरह की कोई बात की, मैंने काफी सारी ये नून लीग के लोगों को और उनको सुना है कि हाँ वो नशे। अरे भाई वो एथलीट आदमी, वो इतने खान साहब फिट है, वो जॉगिंग जब तक उनको गोली नहीं लगी थी, वो जॉगिंग, वो वर्जिश, वो एक्सरसाइज, मतलब वो तो जब ऑफिस में थे तब भी ना सिर्फ खुद भागते थे, उनके पीछे पीछे भी जा रहे, उनकी सिक्योरिटी डिटेल को भी भागना पड़ता था। नशे लोग कुछ इस तरह के होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, ये कोई नशे ही है? पता नहीं ये लोग कौन सा सस्ता नशा करते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं मन लगते चलते हैं खान साहब, अभी भी देख रहे हैं जिनको गोलियां लगी हुई हैं, क्या है बंदा, और कोई भी बंदा जिसको थोड़ा सा भी मेडिकल का पता है जिस जगह पे उनको लगी थी, और नशेई आदमी की शक्ल से नजर आ जाता है, वो टीन टंबर चुकता है, वो कोई डंबल शंबल थोड़ी चुकता है, इस तरह भागता थोड़ी है। अच्छा वो आपने नासिर भट्ट का ट्विटर पे ट्वीट देखा, वो दिखा रहे थे कि चूंकि खान साहब है तो एथलेटिक आदमी, इसलिए मुझे लगता है वो तस्वीर भी कोई सही होगी कि सीढ़ियों के ऊपर से खान साहब जमान पार्क में से निकल गए हैं जी, जरा ये देखे तस्वीर, ये खान साहब नहीं है, स्टूडियो जरा दिखाइए, ये तो इनके अपने हमजा शहबाज हैं। जब इनके घर के ऊपर नैप का रेड पड़ा था तो ये पीछे से हमजा शहबाज जो थे वो सीढ़ी पे से भाग लिए थे इन्होंने, मतलब कुछ सोचता तो है इंसान। तो फिर नशे पे खान साहब तो ना हुए, ये तो मुझे लगता है नासिर भट्ट साहब ने ही कर ली थी, अपने ही बंदा इन्होंने रगड़ दिया, कोई को समझाए इनको भी के भजन थोड़ा देख के, तुसी बेशक हो सकते हो नशे छो, बाकी दुनिया नहीं असी देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज मरियम नवाज साहब ने, नवाज साहबा ने बयान दिया है कि जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं वो कभी अदालत से इस तरह नहीं भागे हैं सेहत के मामले में, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि नहीं मुझे गोली लगी है मैंने नहीं जाना, कभी नवाज शरीफ ने कहा कभी मैं अदालत को बताया कि मैं बीमार हूँ? देखिए बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? देखिए भैया मैं क्या कहूँ अब, आप मुझे बताएं मैं इसके बारे में क्या कहूँ आपको। अव्वल तो खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अदालत नहीं आता। खान साहब ने जिस बिल्कुल बेसिक बात के ऊपर एतराज किया था वो बिल्कुल सीधी साफ सी बात थी कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, खान साहब जख्मी हैं, उनको अदालत बुलाया जा रहा है, जबकि जिस आदमी ने उनके ऊपर गोली चलाई और खुद एतराफ किया है उसको कहते नहीं जी उसकी जान को खतरा है तो उसका वो इस तरह से ऑनलाइन ले लेते हैं इंटरव्यू। खान साहब को कहते हैं कि नहीं वो चल के अदालत पे आए, जबकि खान साहब की जान को अभी भी खतरा है। तो आप मुझे बताइए कि इन्होंने नवाज शरीफ को तो कहा था कि वो इनकी जान को खतरा है तो उनको मुल्क से ही बाहर भिजवा दें, वो ये देख लीजिए ये जो है वो भागे नहीं है, ये प्लेटलेट के लिए आप मतलब ये तो मैंने आपको बताया है पहले कि वो प्लेटलेट करके 4 हफ्ते का कह के जो है वो 4 साल से बाहर भागे हुए हैं, रोल्स रॉयस में घूमते हैं, महंगी महंगी जगहों पर शॉपिंग करते हैं और ये बीमारी का बहाना करके नहीं भागे, जबकि खान साहब को तो वाकई गोली लगी हुई है। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या मतलब इस बात का मैं क्या जवाब दूं, मतलब ये अजीब कुछ इनकी सियासत की पीएचडी है, ये तो मुझे हमारे अपने ही कोई खिलाड़ी लगते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है ये आवाम को बेवकूफ से बना रही हैं या ये खुद बेवकूफ बन रही हैं। नहीं जी आवाम कहाँ से बेवकूफ है, अब आप मैं आपको बता दूंगा, मैं भोले की बातें इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये जो है ना इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी आपने देखा ना वो ये जो गारंटर साहब थे शहबाज शरीफ साहब को 4 साल से बंदा गायब है, अभी तक इनसे अदालत ने पूछता ही कोई नहीं है। और बस यही तो आप देखिए ना, जबकि इमरान खान के जो गारंटर हैं उनको तो देखिए कि वो नहीं आए कोर्ट में, वजह से नहीं आए तो उनके घर पे छापा पड़ गया, और जो नवाज शरीफ भाग गए हैं एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए हैं उनके गारंटर को उठा के वजीर आजम बना दिया, उनके घर पे कब छापा पड़ेगा? बस वो फिर खान साहब वाली बात है ना, ये जाहिल है और सीखना भी कुछ नहीं चाहते हैं, इसलिए ये झूठ भी ऐसे बोलते हैं जो आम आवाम भी बैठ के देखती है कि यार नशे खान साहब नहीं नशे तुसी लगते हो, खान ने तुहानू खाली
पट्टू पाया हुआ है। बस यही ना, अब आप जरा सोचिए, जरा आप अपने बल्कि बोले से कहिएगा कि ये बताएं कि वो मरियम औरंगजेब के साथ क्या हुआ है। सुना है कि सहाफी हजरात आजकल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाह रहे हैं। ओ साफियों को भी तो पता ना जी कि जदो झूठ बोले ते कव्वा काटे। चलो जी, ओके।